अंगूठिया निकला ना अंगूठिया। एक ही कहानी रही सास पतोह जगह सास चली गई बेटा उठाए दही मेरा समझ के ना ये वाला ठीक बा। पिछली बार जोन रहा एक नक के रहा ना तो पहन डाले हो तो कतो जाई था पंज जाई था इम रखे करता हूँ जांच लागत जैसे सोने का ना है मम्मी सी फूल जात पहनावा देखा फूल ही जात हम अंगूरी है ना पहना हो ही जाए वहां हो ही जाए। हाँ देखा जब लाए रन ढीला रहा बधाई हो आप टंगे टूट हो गया सास के साथ निकाले। सो हेलो फैमिली, यहाँ पे ना मेरी डिलीवरी से पहले जो बैग पैक होता है ना हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो पैक हो रहा है और मम्मी पैक कर रही हैं बिकॉज मैं तो एडमिट रहूँगी तो सारा सामान मम्मी को पता रहना चाहिए। पहले ही रखा है ये होता है मन ना पहने होते होता है मन। हाँ बात कर होते मन कपड़ा लपेटा थे ना ध्यान से रखा है कुल पहले हाँ ई और ई एक साथ रखे मोजा जाए अब तो कतरे न जाए हम सॉक्स और कान टोपी रखे हमार तुम मिले हाँ और सॉक्स तुरंत ही पड़े ठंडी टाइम बना एन सो और पन्नी निकल रहा तो वो गैस वक्त लगवा झोला में बैठे झोला में काई से मिल जाए ना कान टोपी और हाँ वही भाई को रखा तो अम्मी वो एक बात सिंदूर ना लगा ना जाप होता अच्छा ये सिंदूर ना लगा एक साइड पतील एक साइड। सो जितना सामान मुझे पता था ना कि ये सब ले जाना वो मैं बेड पे इकट्ठा रख दी थी और जो नहीं पता था वो मम्मी बता रही हैं तो मैं दे रही हूँ मैं तो हुकुम चला रही हूँ बस बैठ के। बाकी अंशु हेल्प कर रही है बैग पैक करने में और क्या है कि मैं नहीं रख रही हूँ मम्मी से बोली मम्मी आप रखो तो मम्मी को ना पता रहेगा कौन सा सामान कहाँ रखी है तो अपना निकाल के यूज करेंगी मैं तो बेड पर पड़ी रहूँगी। और ये जो फ्रॉक मम्मी फोल्ड कर रही है वो मैंने मंगाया है ऑनलाइन जो कि पहन के आने के लिए घर पर हॉस्पिटल में तो नाइटी पहनेंगे फ्रॉक तो पहनेंगे नहीं तो ये घर पे आने के लिए है। और अब जल्दी से सामान पैक कर लेते हैं बिकॉज चाहे जब भी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए एकदम लास्ट टाइम है लास्ट मोमेंट है। और मम्मी बहुत खुश हैं और मम्मी ना मंत्र वगैरह पढ़ के मतलब जाप भगवान का भगवान को प्रे कर करके सब रख रही हैं कि भगवान जी सब अच्छे से हो जाए। जिस खुशी उम्मीद के साथ बैग पैक कर रहे हैं वो खुशी जल्दी से आ जाए तो मम्मी खुश है कि जल्दी से वो मोमेंट आने वाला है जिसका हम लोग 9 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। और जानते हैं साची नहीं है साची गई है ना ट्यूशन तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो नहीं है तो सामान अच्छे से शांति से रख ले रहे हैं बिकॉज वो रहती ना तो एक भी सामान अच्छे से रखने नहीं देती। सामान रखने से पहले खुद ही बैग में हाथ डाल देती खुद ही सब चीज़ चेक करती कि ये वो तो उसमें ना मम्मी घबरा जाती और सामान रखने के बजाय वो इधर उधर सामान रख देती फिर बाद में परेशान होती। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी का बात चल रहा है और हमारा मम्मी का ना ऐसे ही बात चलता है ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी का डिसरिस्पेक्ट करती हूँ और मम्मी से ऐसे बात करती ऐसा कुछ नहीं है मैं मम्मी से ऐसे ही बात करती हूँ। हम लोग गांव के भाषा में बात करते हैं तो मम्मी यहीं पे बता रही ये नाइटी दो मैं ना एक ही नाइटी रखी थी मम्मी बोली नहीं दोनों रख लो और जब वहाँ पे जाके खरीदेंगे तब खरीदेंगे। अभी नाइटी नहीं खरीदे हैं बिकॉज मेरे पास 2 नाइटी थी तो मैं सोचे यही दोनों यूज कर लेंगे बट मम्मी बोल रही नहीं 2 नाइटी और ले लेना तो यही सब बातें हो। अंशु यहाँ पे कुछ सामान रख रही है जैसे कि ब्रश मंजन हो गया सिंदूर बिंदी हो गया ये सब अलग अलग पॉलीथीन में करके रख ले रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो एक ही बैग में इतना सामान इकट्ठा रखेंगे तो अलग अलग पॉलीथीन रहेगा ना तो मम्मी को दिक्कत नहीं होगा निकालने में तो वही सब अंशु भी रख रही है मम्मी भी रख रही है। सवेरे ना लेते हैं मम्मी जाती है पन्नी खत्म हुई है ऐसे मत रखा है पन्निया में कम सब सामान रखा है ज्यादा हाँ तेलो मन ना रखा मंजन ब्रश डाल दे मंजन लाल वाला वैसलीन पे यहाँ इधर घूमत रहा अच्छा हाँ ऐसे
अभी ना सिर्फ मेरा सामान पैक हो रहा है, मम्मी का नहीं हो रहा है, बाबू का भी नहीं हो रहा है, बेबी का कोई भी न्यू सामान नहीं खरीदा गया। हमारे में न्यू सामान नहीं खरीदा जाता है जब तक बेबी ना हो जाए। पुराना सामान यूज होता है, तो साचू का जो भी सामान है जैसे उसके छोटे छोटे कपड़े, उसकी तौलिया, ये सब रख लिए हैं। और मम्मी का सामान नहीं रखे हैं बिकॉज मम्मी का दवाई, मम्मी रोज खाती हैं मेडिसिन, और उनका मंजन ब्रश वो न्यू नहीं निकाली, मैं न्यू निकाली थी तो पहन ली रख लिए। और साड़ी वगैरह ये सब ना नहीं रखा गया है, तो ये जब जाने का टाइम रहेगा ना तब रखेंगे। बस मेरा सामान रखा जा रहा है। हम अपन कुल चीज ले लेते हैं, आप कह रहे थे आप मंगाई है। नहीं, हम आप बेस्ट दिन होएगी, मैं साड़ी लूंगा, साड़ी। अरे मंजन ब्रश, साड़ी, मंजन ब्रश दे देते का सर। हां, हम अपन रख लिए, मान को दे दे साड़ी बनाने के। और टिफिन बाग में ऊपर दे दो। और जो हम टिफिनिया लाए रहे नील की, ओका ढक्कन हो कहां लमाई कौन नीला टिफिन आप ला रहे हैं? गाना जन ला रहे हैं मैंने टिफिन डाले और ढक्कन एक तो ना है, सब ढक्कन लगाए लगाए धरे तो हैं आंसू ये रखे घर। उसका टिफिन ला रहे हैं माता, प्लास्टिक को ना ला रहे सब्जी हरा रहा यार। हाँ, हरा उज्जर हरा उज्जर कम जिसे दाल चावल तो हम तो धो ही दिए रहे रखिन तो आप है। डब्बा टेंशन ना ला, डब्बा डब्बा टेंशन ना ला टिफिन के। ए मामा, टिफिन ऊपर एक झोला में पूरा प्लास्टिक टिफिन है, टिफिन हम रखे है टाड़ा पे, टिफिन टेंशन ना आवे। ई ध्यान से रखा है ई, अब बच्ची ना आराम से रख ले, मांगे तो कुला पे देवे को। सो हॉस्पिटल में जब बेबी हो जाएगा ना तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी होनी है, ये फिक्स है। तो जब हो जाएगा ना तो मम्मी हॉस्पिटल में रहेंगी मेरे साथ, तो वही सब डिसीजन हो रहा है कि बिस्तर कौन सा जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब बातें हो रही हैं। अंशु घर पे रहेगी साचू के साथ, खाना बनाएगी और सुबह शाम आएगी मेरे से मिलने। साचू और अंशु बाबू तो अपने जॉब पर ही रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग कि बस अब जल्दी से बेबी आ जाए। और मम्मी यहाँ पे अपने डिलीवरी के टाइम की बातें बता रही हैं मेरे से और से कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। निकाल लो पहने बिना, चाहे ना रोज रतिया के पन्नियन में का रखे हैं ब्लाउज है। इमे ब्लाउज में सब ऐसे सब साड़ी में मां ब्लाउज में है कोनो जन पन्नी मम्मी कह रही हैं दो तीन साड़ी निकाल दे ना, ये इनन साड़ी में सब में ब्लाउज में सीना बात कुल काम हो जाता। भागो आएगी कहां चाट ठरक ली। अरे जब पैसे आएगी तब देख ले लिए सामान, पैसा रखा था इनका पैसा अलमारी चाबी। सो आज का ब्लॉग यहीं तक गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। बाय बाय।